Myself Sheikh Nasim Ali. Today I am going to discuss about a topic which is centroid and center of gravity from engineering mechanics in Hindi. First of all, we need to know what is centroid. Centroid is a point where total area of a body is consumed to be concentrated. पहले हम इसका फिगर हम ड्रॉ करेंगे सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद समझाएंगे सेंट्रोइड क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रोइड, द पॉइंट एट व्हिच total area of a plane figure that is like rectangle, triangle, circle, semicircle, etc. is assumed to be concentrated. सेंट्रोइड क्या होता है ना, सेंट्रोइड होता है ऐसा एक पॉइंट जहां पर कोई भी बॉडी का टोटल एरिया डिनोट करता है. मतलब ऐसा है कोई फिगर होगा तो उसका हर एक पार्टिकल का एरिया होता है A1, A2, A3, A4 ऐसा होता है. टोटल जो बॉडी है, बॉडी का टोटल एरिया हम एज्यूम करते हैं A. तो टोटल एरिया जिस पॉइंट पे काम करेगा कोई भी प्लेन फिगर का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे. और ये क्या होता है, वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता है. सेंट्रोइड कोई वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता है. और इसके बाद हम लोग को जानना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है. सीजी क्या होता है, द पॉइंट एट व्हिच द टोटल वेट ऑफ ए प्लेन फिगर लाइक rectangle, circle, semicircle, etc. is assumed to be concentrated. सीजी क्या होता है ना, सीजी होता है कोई भी एक फिगर होगा और उसका हर एक पार्टिकल का जो वेट होता है W1, W2, W3, W4, तो हर एक पार्टिकल का एक सेंटर पॉइंट होगा. तो टोटल जो बॉडी है, बॉडी का टोटल जो वेट है जिस पॉइंट पे काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे सीजी. तो इसका टोटल वेट W है. अगर हम लोग दो एक्सिस पे कंसीडर करेंगे, वाई एंड एक्स एक्सिस पे, अगर हो गया वाई, इसको हम लोग वाई से डिनोट करेंगे और ये एक्स हो गया. अगर यहां पर कोई भी फिगर है, उस फिगर का टोटल जो वेट उस वेट जिस पॉइंट पे काम करेगा वो ऐसा होगा, इस पॉइंट पे.
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्स बार से, एक्स बार, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट हम लोग का रहेगा वाई एक्सिस पे उसको डिनोट करेंगे वाई बार से, उसको डिनोट करेंगे वाई बार से। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं जी, क्योंकि जी से हम लोग डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग को पहले कोई भी फिगर में अगर हम लोग को सीजी निकालने बोलेगा तो हम लोग को एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा। इस फिगर का हम लोग को पहले से, हमें फिगर हम ड्रॉ करके रखे हैं, इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सीजी निकालना पड़ेगा। तो सीजी का हम बताए थे एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दो सेक्शन ऑलरेडी एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग वन सेक्शन से डिनोट कर रहे हैं और दूसरा जो है इसको हम लोग टू से कर रहे हैं। तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा फॉर सेक्शन, फॉर सेक्शन वन, फॉर सेक्शन वन के लिए हम लोग का ए वन, ए वन क्या होगा ना, ए वन मतलब जो लेंथ है 150 इंटू जो उसका हाइट होगा 10, तो 1500 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा एक्स वन, इस सेक्शन के लिए एक्स वन कितना होगा ना 150 डिवाइडेड टू 75 mm। इस सेक्शन के लिए एक्स वन कितना होगा 75 mm। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, मतलब वाई वन निकालना पड़ेगा, वाई वन कितना होगा ना, वाई वन होगा, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन का हाफ होगा, मतलब 10/2 5 mm सेक्शन वन के लिए। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा फॉर सेक्शन टू इस सेक्शन के लिए, तो टोटल जो डिस्टेंस कितना है 200 mm, तो 200 mm, तो इस डिस्टेंस कितना हम लोग को मिलेगा 200 माइनस 10 190 mm, सेक्शन है 190 mm। तो ए टू कितना होगा ना, ए टू होगा 190 इंटू 10 1900 मिलीमीटर स्क्वायर। और एक्स टू कितना होगा ना, एक्स टू होगा इस सेक्शन के लिए, एक्स टू कितना होगा ना इस सेक्शन के लिए, एक्स टू होगा 10/2 5 mm। और वाई टू कितना होगा ना, वाई टू होगा ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का अगर हाफ करेंगे मतलब 190/2 तो कितना होगा 95 mm। 190/2 95 प्लस कितना है, हम लोग यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं ना इस एक्सिस से, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, तो यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 95 + 10 मतलब 10 95 + 10 मतलब 105 mm। और इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो x बार और y बार है उस पर हम लोग वैल्यू बिठाएंगे। इस फिगर का हम लोग क्या निकालिए, ए वन हम लोग को मिल गया है, ए वन एक्स वन वाई वन, ए टू एक्स टू वाई टू हम लोग को मिल गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, x बार इज इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू डिवाइडेड ए वन प्लस ए टू, ए वन प्लस ए टू, ए वन कितना है हम लोग का 1500 इंटू एक्स वन 75 प्लस ए टू कितना है 1900 इंटू इंटू हम लोग का एक्स टू कितना है, एक्स टू है 5 mm डिवाइडेड ए वन ए टू, ए वन कितना है 1500 प्लस ए टू कितना है 1900। तो कैलकुलेशन करने से हम लोग को क्या मिलेगा ना 35.88 mm। एक्स बार निकल गया है, अगर वाई बार क्या है, वाई बार का फॉर्मूला है ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू डिवाइडेड ए वन प्लस ए टू।
A1 कितना है हम लोग का 1500 into Y1 कितना है Y1 5 plus A2 कितना है A2 है 1900 into Y2 कितना है Y2 है 105 divided A1 कितना है A1 है 1500 plus A2 कितना है 1900 कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 60.88 mm. तो आप लोग को x बार मिल गया है y बार मिल गया है. इसके बाद इस फिगर पे हम लोग दिखाएंगे सीजी कहां पे काम कर रहा है. तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग का x बार कितना है ना, x बार है हम लोग का 33.88. सपोज इस पॉइंट इतना तक 33.88 और जो y एक्सिस है y एक्सिस में कितना होगा ना 60. तो मतलब इतना था 60 60.88 इस पॉइंट पे हम लोग का सीजी काम करेगा. तो आज का वीडियो इतना तक, इसके बाद हम और भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से सब कुछ समझाएंगे. तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना. और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुआ, अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम अगर सॉल्व का ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम ऐसा ही वीडियो देते रहेंगे. थैंक यू.